आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग पर दिया जोर, कहा काम की व्यस्तता और गतिहीनता जीवन शैली अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आती है। एकनाथ खड़से का बड़ा बयान, बोले मैंने फडणवीस को महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बनाने का किया था विरोध, गोपीनाथ मुंडे को भूले भाजपा नेता। दिल्ली आ सकती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस को छोड़ सभी विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, कहा 3 दिन से मेरी सीट का माइक बंद है। अडानी मामले को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले अडानी मामले पर हम देंगे सबूत, सरकार को मिलकर घेरेंगे 18 विपक्षी दल। भगवंत मान ने बदले पंजाब के मंत्रियों के महकमे, राज्यपाल बनवारी लाल को चिट्ठी लिख मांगी मंजूरी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पुलिस अफसर को दी चेतावनी, कहा हमारी सरकार आई तो जेल जाओगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में हाईकोर्ट पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कहा रद्द कर दे सीबीआई का समन। सीएम शिंदे से बात करेंगे मुख्यमंत्री, बोम्बई सीमावर्ती गांवों में महाराष्ट्र की स्वास्थ्य योजना को लेकर छिड़ी जंग। दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाई मौजूदा आबकारी नीति, सीएम केजरीवाल ने दी मंजूरी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा बोलने के अधिकार को कमजोर किया जा रहा, सच बोलने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता के वकील संजय बसु को सुरक्षा कवच, छापेमारी और गिरफ्तारी से पहले कोर्ट की लेनी होगी अनुमति। उद्धव ठाकरे को फिर लगा झटका, अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने छोड़ा साथ, एकनाथ शिंदे का थामा हाथ। उद्धव ठाकरे का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले ढह गए लोकतंत्र के 3 स्तंभ, न्यायपालिका से ही बची उम्मीद। H3N2 वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में 352 मरीज मिले, पुडुचेरी में 26 मार्च तक सभी स्कूल बंद करने के निर्देश। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश, H3N2 इन्फ्लुएंजा के प्रत्येक रोगी को मिले बेहतर इलाज। शिक्षक भर्ती मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, भाजपा पर लगाया आरक्षण विरोधी होने का आरोप। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी शुरू, योगी और गडकरी ने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को दिया राम राज्य का मंत्र। यूपी में भाग की और राजनैतिक महापंचायत में बड़ा ऐलान, मांग पूरी नहीं होने पर उड़ेगी अफसरों की नींद।
हरदोई में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया शीतगृह का निरीक्षण, डीएचओ से रिपोर्ट तलब, बोले निरीक्षण को निलंबित करें। यूपी में 23 साल बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, मंत्री एके शर्मा बोले बिजली व्यवस्था बिगड़ी तो कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया जिला और सेंट्रल जेल का निरीक्षण, अफसरों से बोले शिकायत कतई नहीं आनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई 20 मार्च को आ सकता है फैसला, अमीन सर्वे को लेकर मथुरा कोर्ट सुनाएगा आदेश। मेरठ में किसान महापंचायत, वेस्ट यूपी के 13 जिलों से आए किसानों ने आतिशबाजी और सीओ ने किसी तरह संभाली कमान। मथुरा में रंगनाथ भगवान की रथ यात्रा, डीएमएसएसपी ने भगवान रंगनाथ के रथ को खींचा, 2 लाख भक्त जुटे रहे खींचेंगे रथ। गोरखपुर में दादा ने पोती से किया रेप, 10 रुपए देकर बोला मां को नहीं बताना, महिलाओं ने पीटकर पुलिस को सौंपा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, मेट्रो में सवार होकर करते थे चोरी। जौनपुर में एनकाउंटर में बदमाश ढेर, 10 दिन पहले सतना में डाली थी 15 लाख की डकैती, सुभाष यादव गैंग का बदमाश था। इटावा में जंगल से मिला नर कंकाल, जंगली जानवर के हमले में मौत होने की आशंका, खेत पर गया था काम करने। पीलीभीत में फिल्मी गाने पर युवक ने बनाई रील, फायरिंग कर पुलिस को दी चुनौती, वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई हुई शुरू। आगरा में फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 2 मेडिकल स्टोर सीज, कई हॉस्पिटलों को नोटिस जारी। गाजियाबाद में महिला से चेन लूटने का फुटेज आया सामने, एक बदमाश खड़ा रहा, दूसरे ने नजदीक आकर झपटी चेन। हापुड़ में हत्या के दोषी को 10 वर्ष की सजा, फैक्ट्री में 2018 में 2 लोगों में आपस में हुई मारपीट, की गई थी हत्या। शाहजहांपुर में चंदा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, 3 दिन पहले गोली मारकर की थी हत्या, कहा घर बुलाने पर आ नहीं रही थी। गाजियाबाद में सवारियों से भरी बस पलटी, 12 यात्री घायल, उपचार के बाद गंतव्य भेजा गया, एक्सल टूटने से हुआ हादसा। अवैध क्लिनिक पर छापेमारी, भागे संचालक, प्रयागराज के गोबर गली में बिना पंजीकरण के झोला छाप कर रहे थे हड्डी का इलाज। खान निरीक्षण पर हमले की नए सिरे से होगी जांच, साल 2018 में खान निरीक्षण और टीम पर हमले में 17 नामजद और 80 से 100 पर दर्ज है केस। गाजियाबाद में रेप हत्या के वक्त बच्चे की मुट्ठी में फंस गए थे बाल, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई पुष्टि, बालों ने फांसी तक पहुंचाया। खलील टायर और उसके बेटे समेत 7 के खिलाफ FIR दर्ज, फर्जी दस्तावेज तैयार कर कीमती जमीन बेटे के नाम कराया। DPRO PD की जांच के लिए DM ने लिखा पत्र, स्मृति ईरानी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराने और विभागीय कार्रवाई का दिया था निर्देश।
डकैतों की तलाश में हापुड़ पुलिस की मेरठ में छापेमारी। आरोपी के फरार होने पर पुलिस ने खंगाला मकान व्यापारी के घर की थी वारदात। इटावा जिला कारागार में हेड वार्डन के हार्ट अटैक से मौत। सीने में दर्द होने पर सहकर्मी अस्पताल ले गए। ललितपुर में डाउन लाइन पर मालगाड़ी हुई अपकपलिंग। वहीं 52 मिनट रेल मार्ग रहा प्रभावित। पातालकोट एक्सप्रेस समेत दो ट्रेन रही लेट। जनरत बस और टैंकर की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। शक्तिनगर से लखनऊ जो आ रही थी बस, सहायक चालक सहित 5 लोग घायल। बलिया में यूपी में रोहिंग्या का नेटवर्क बढ़ाने वाले दो गिरफ्तार। बांग्लादेश म्यांमार से भारत में कराते थे घुसपैठ। मॉर्निंग वॉक के दौरान स्वच्छ भारत के सिपाहियों से मिले सीएम धामी। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का संकल्प ले। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की 66वीं जयंती। आज सीएम धामी ने जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर अड़िग रही विधानसभा अध्यक्ष। सत्ता पक्ष के अनुरोध के बावजूद नहीं बदला अपना फैसला। सीएम धामी ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा यह बजट उत्तराखंड 2025 के संकल्प को पूरा करेगा। उत्तराखंड के 7 शहरों का बनेगा मास्टर ड्रेनेज प्लान। सिंचाई के प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा से चलाने की योजना। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने पेश किया 77,000 करोड़ का बजट। रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस। उत्तराखंड में मदरसों का होगा आधुनिकीकरण। योजना के लिए बजट में 2 करोड़ की व्यवस्था। उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों के लिए खुला खजाना। राहत पहुंचाने के लिए मिले 1,000 करोड़। क्या की रिपोर्ट में खुलासा। ठेकेदारों और एजेंसियों से 1,388 करोड़ नहीं वसूल सकी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण को लेकर सदन में हंगामा। विपक्ष का वॉकआउट। 12 विधेयक पारित। उत्तराखंड में अगले 5 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। जोशीमठ में जर्जर हो चुके नगर के सभी भवन होंगे सील। अब तक 12 परिवारों को दिया गया 276.66 लाख का मुआवजा। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज। तीनों आरोपियों पर 18 मार्च को तय होंगे आरोप। उत्तराखंड में आंदोलनरत छात्रों ने लगाया मारपीट का आरोप। डीजीपी ने कहा आरोपितों पर होगा केस दर्ज। मरियम औरंगजेब का दावा। बोली इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान बल का हो रहा इस्तेमाल।
अमेरिकी ड्रोन से टकराव की घटना पर आया रूस का बयान, कहा उकसाया तो परिणाम भुगतने होंगे, लगाए जासूसी के आरोप। उत्तर कोरिया ने फिर दागी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, गिरने से पहले 1000 किलोमीटर तक भरी उड़ान। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास को खालिस्तानी समर्थकों ने कराया बंद, हिंदुओं के खिलाफ लहराए पोस्टर। कोलंबिया में कोयले की खदान में विस्फोट, 11 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल, विस्फोट से कई खदानें हुई प्रभावित। न्यूजीलैंड के कर्माटेक आइलैंड में 7.1 तीव्रता का भूकंप, भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था, सुनामी की भी वार्निंग जारी। ब्रिटिश रॉयल फैमिली का आरोप, शादी से पहले प्रिंसेस डायना और केट मिडलटन के फर्टिलिटी टेस्ट कराए। जापान में संसद की सदस्यता खत्म, 73 साल में पहली बार किसी एमपी को निकाला, एक भी सेशन अटेंड नहीं किया था। ब्रिटिश प्रिंस ने इंडियन योगी से कराई थेरेपी, एंड्रयू ने 32 लाख का बिल किंग चार्ल्स को भेजा, उन्होंने कहा इसे खुद भरो। इमरान को गिरफ्तार किए बगैर लौटे पुलिस, कहा लाहौर में 19 मार्च तक क्रिकेट मैच, हम नहीं चाहते कि दिक्कत हो। बजाज पल्सर एनएस 160 और एनएस 200 का अपडेटेड वर्जन हुआ लॉन्च, दोनों बाइक डुअल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर से लैस। होंडा की सबसे सस्ती बाइक लॉन्च, 100 सीसी इंजन वाली बाइक की कीमत 65,000, वही बुकिंग आज से डिलीवरी मई में शुरू होगी। स्टार्टअप में दूसरे साल भी भारत ने चीन को पछाड़ा, 2022 में देश में बने 13 यूनिकॉर्न, 18% की वृद्धि। अप्रैल से फरवरी के बीच निर्यात 7.5% बढ़कर $406 अरब, आयात में 19% की तेजी। सिलिकॉन वैली बैंक के नए सीईओ ने की जमाकर्ताओं से फिर लौटने की अपील, बोले बैंक बचाने का यही रास्ता है। लुढ़के अडानी समूह के शेयर शुरुआती कारोबार में, अडानी ग्रीन को छोड़ सारे स्टॉक्स डाउन। क्रेडिट स्विस बैंक पर भी संकट, एक दिन में 25% तक शेयर गिरे, टॉप निवेशक ने मदद से किया इनकार। एयरलाइंस के मनमाने हवाई किराया वसूलने पर संसद की स्थायी समिति ने जताई चिंता, लोअर और अपर बैंड फिक्स करने की सिफारिश की। क्रेडिट स्विस से नीलकंठ मिश्रा ने दिया इस्तीफा, एक्सिस बैंक ज्वाइन करने की भी खबर है, एक्सिस बैंक की विस्तार योजनाओं का हिस्सा। प्रे स्टॉल्ड ऐप हटाने की रिपोर्ट को सरकार ने बताया गलत, राजीव चंद्रशेखर बोले स्टोरी समझ की कमी पर बेस्ड। डेविड वार्नर करेंगे दिल्ली कैपिटल्स का नेतृत्व, 2009 से 2013 के बीच में कई मैचों में संभाली थी टीम की कप्तानी। सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम को दी सलाह, कहा केएल राहुल को आप विकेटकीपर के रूप में देख सकते हैं।
पीसीबी पर भड़के रशीद लतीफ बोले 70-80 साल के लोग जो पीसीबी में शीर्ष पर है वो ये तय कर रहे हैं कि किसे आराम करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के क्वालिफायर मुकाबले में पूरी तरह फेल नजर लाहौर कलंदर्स, वही मुल्तान सुल्तान्स ने हराकर फाइनल में किया प्रवेश। एशिया कप 2023 को लेकर शोएब अख्तर ने दिया सुझाव, कहा एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में नहीं तो श्रीलंका में आयोजित किया जाए। विमेन प्रीमियर लीग में बेंगलुरु की पहली जीत, यूपी को 5 विकेट से हराया, कनिका की कमाल की पारी, पेरी ने लिए 3 विकेट। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन के पहले ही दौर में हारी, इस साल लगातार तीसरे टूर्नामेंट के पहले दौर से बाहर। हॉलैंड ने की मेसी और एंड्रियानो के रिकॉर्ड की बराबरी, लिपजिंग को 7-0 से हराकर मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में। फुटबॉल 2026 फीफा वर्ल्ड कप में होंगे 104 मुकाबले, दूसरी बार 2026 के टूर्नामेंट के आकार में वृद्धि की गई। क्रिस गेल की तूफानी पारी के सामने सुरेश रैना की इनिंग पड़ गई फीकी, इंडिया महाराजा को वर्ल्ड जॉइंट्स से मिली हार। पति को लेकर आखिरकार नरम पड़ी राखी सावंत, बोली रमजान के महीने में बेल मिल जाना चाहिए लेकिन दूसरे की जिंदगी बर्बाद मत करना। अलाना पांडे के संगीत में पहुंची सुहाना खान, मां गौरी खान की सिल्वर साड़ी में दिखी गॉर्जियस, वही फैंस कर रहे हैं लुक की तारीफ। दिव्या अग्रवाल ने सबके सामने अनुराग कश्यप से मांगा काम, बोली मुझे बेवकूफ कहो, मुझे शर्म नहीं है। हनी सिंह ने अपने बर्थडे पर फैंस को दिया खास तोहफा, रैपर की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री का हुआ ऐलान। बाहुबली के भल्लाल देव ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा, बोले सिर्फ बाई आंख करती है काम। कजन की शादी में पहुंची अनन्या पांडे, पिंक लहंगे में दिखी गॉर्जियस, पापा चंकी पांडे ने माथे पर किया किस। अपने बच्चों को किस करने पर ट्रोल हुई छवि मित्तल, एक्ट्रेस ने फोटो पोस्ट कर दिया मुंह तोड़ जवाब, बोली ये कल्पना से परे है। शाहरुख की वजह से बच गई थी लाल सिंह चड्ढा, आमिर बोले शाहरुख की कंपनी ने वीएफएक्स बनाने में देरी की, इससे फायदा फिल्म को हुआ। तमिलनाडु में दिखा एलिफेंट विस्पर्स के ऑस्कर जीतने का असर, के अटेकर को 1-1 लाख देगी सरकार, राज्यभर में बनाए जाएंगे हाथी शिविर। योगी के फैसले पर राजीव निगम ने कसा तंज, कहा अब डीएम को पूजा पाठ करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।